वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं और सोनू तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम लोग लाए हैं सोनू की रेसिपीज में आपके लिए कोल्ड केक। जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो सोनू को करें हाय, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मम्मा किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आए व्यूअर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोल्ड केक। तो व्यूअर्स, सबसे पहले कोल्ड केक बनाने के लिए हम लोग लेंगे मैरी बिस्किट। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, कोई भी बिस्किट हो बगैर क्रीम के आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम मैरी बिस्किट अवेलेबल है, तो इसका हम लोग कर लेंगे पीसेस। तो सोनू उसको जल्दी से आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें। सोनू को हमने दे दी है ड्यूटी, अब वो हमारे सारे बिस्किट्स करेगा। इसमें व्यूअर्स, मैं कम अज़ कम डाल रही हूँ 2 हाफ रोल्स बिस्किट्स हैं हमारे पास, वो ये डालेगा। साथ में है 4 टेबलस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 egg और 1 या 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। ठीक है व्यूअर्स, रूम टेम्परेचर पर आप बटर ले आए ताकि ज़्यादा उसको हम लोग ने वैसे भी डबल बॉयलर में इसको हम लोग पकाएंगे। तो व्यूअर्स आपको बता दूँ, डबल बॉयलर में ये होता है कि हमने एक सॉस पैन रखा हुआ है, उसमें पानी बॉयल हो रहा है, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें डालकर, दूसरे सॉस पैन में हम ये सारी चीज़ें डालकर उसके अंदर रखकर पकाएंगे। तो आए व्यूअर्स, सोनू कर रहा है अपनी ड्यूटी, तो हम लोग अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये भी हम लोग डबल बॉयलर इसको कहते हैं। इसमें हम लोग पका रहे हैं अपना चॉकलेट, और ये देखिए शुरू में आपको इस तरह का टेक्सचर इसका स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ने शुगर डाला हुआ है, वो आइसिंग शुगर ही डाली, तो उस वजह से ये थोड़ा सा इसको हल करने में मुश्किल आ रही है। मगर ये है कि टाइम टू टाइम वो चीनी जब पिघलेगी तो खुद ब खुद आपका स्मूथ सा चॉकलेट सॉस बन जाएगा। तो आए व्यूअर्स, इसको पकाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें टाइम टू टाइम इसके स्मूथ हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, इसको डायरेक्ट कभी भी आप चूल्हे पर मत पकाइएगा, क्योंकि आपका जो जितना भी केक होगा वो सॉस जो होगा वो नीचे से जल जाएगा। तो इसलिए काइंडली पकाते हुए नीचे आप सेकंड बॉयलर ज़रूर रखिएगा। जी व्यूअर्स, आप साथ साथ में स्पून हिलाते जाएं, क्योंकि ताकि इसका नीचे से जले ना। और ये देखें चीनी अच्छी तरह हल हो चुकी है और हमारा जो चॉकलेट सॉस है वो भी स्मूथ सा, ये देखें लिक्विड बन चुका है। मगर इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे गाढ़ा, तो इसलिए आए व्यूअर्स इसको हम लोग गाढ़ा करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा सॉस ऑलमोस्ट है रेडी। कितने मज़े का शाइन इसमें आ रहा है। ये जो बटर हमने इसमें डाला था तो ये उसकी शाइन है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ये है कि अगर बटर डालेंगे तो 2 टेबलस्पून और अगर ऑयल डालेंगे तो 1 टेबलस्पून आप डालिएगा। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारी चॉकलेट सॉस हो गई तैयार। अब आप लोगों ने इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि हमारे बिस्किट्स की जो क्रंच होती है वो ख़राब ना हो अगर हम जब इसमें मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स, ये सोनू ने कर ली हैं हमारे बिस्किट्स को भी, ये देखें छोटे छोटे पीसेस में कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आप जिस साइज़ का भी बनाना चाहें, मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने ये फ्रेश वेप डाल लिया है, और ताकि नीचे बेस ना चिपके। अगर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी शॉपर लेकर प्लास्टिक का उसको कैंची सीजर से काट कर उसकी बेस बना दें उससे। ठीक है व्यूअर्स, तो आए व्यूअर्स, हम लोग अभी हमारा चॉकलेट हो गया है ऑलमोस्ट रेडी और ठंडा भी थोड़ा सा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना आपने, फिर बिस्किट्स में अच्छी तरह
मिक्स नहीं होगा। तो आई व्यूअर्स इसको हम मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स बिस्किट हमारे अच्छी तरह हो गए हैं कोटेड चॉकलेट सॉस से। आप इसमें वॉलनट भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ताशू भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके अपनी चॉइस पे। मगर मैं फिलहाल सिर्फ बिस्किट और चॉकलेट कर रही हूँ क्योंकि सोनू को ड्राइड नट्स पसंद नहीं हैं। तो अब हम लोग इसको डाल देते हैं ये बॉक्स के अंदर। अच्छा व्यूअर्स जब आप लोग डाल दें तो उसको ऊपर से अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि बिस्किट जो है वो बीच में स्पेस ना रहे, क्योंकि इसको हम लोगों ने फिर फ्रीज करना है फॉर हाफ टू वन आवर तक, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि इसको हम सही चिल करके खाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने कवर भी कर लिया है। अब हम इसको इंशाल्लाह रखेंगे फ्रीज करने के लिए। आपको मैंने बता चुकी हूँ टाइम। तो आई व्यूअर्स इसको फ्रीज करते हैं, पे चेक करते हैं किस तरह का बना। जी व्यूअर्स तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे 40 मिनट्स लगे हैं इसको फ्रीज होने के लिए। ये देखें इजीली रिमूव हो गया हमारे। अब आप इसको इजीली काट सकते हैं नाइफ से। ठीक है व्यूअर्स, आपकी मर्जी, जिस शेप में भी काटना चाहें, स्क्वायर में भी काट सकते हैं या ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। तो आए इसको काटते हैं। फाइनली हमारा कोल्ड केक हो गया तैयार। ये देखिए कोल्ड केक के अंदर बिस्किट्स भी आपको प्रोमिनेंट हैं और चॉकलेट भी। तो इसको जितना चिल करके आप सर्व करेंगे तो उतना मज़ा आएगा आपको व्यूअर्स। और व्यूअर्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मामा किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। और व्यूअर्स आपको मैं बताती चलूँ कि ये रेसिपी हमारे साथ हमारी सबसे बड़ी फ़ैन शाजिया अयूब ने शेयर की थी और ये हमने ट्राई किया तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये वीडियो में सिखाऊं। तो थैंक यू शाजिया अयूब फॉर शेयरिंग योर रेसिपी। तो आपके पास भी व्यूअर्स मौका है, अगर आपके पास भी कोई क्राफ्ट की या रेसिपीज़ हैं कोई तो हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हम लोग ज़रूर वो बना के व्यूअर्स को ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी दे मुझे इजाज़त और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानिब। अल्लाह हाफिज़।